चंद्रपुर जिले में लगातार कोरोना के रोग मिल रहे हैं और कोरोना का रोग मिलते ही जिला प्रशासन, मनपा प्रशासन और वही नगर प्रशासन, तहसील प्रशासन तुरंत हरकत में आ रहा है और जिस परिसर से कोरोना के रोग मिल रहे हैं उस परिसर को सील करने में लग जाता है। और इसी के तहत घुघुस परिसर के पास स्थित नकोड़ा में कोरोना का रोग मिलने पर तहसील प्रशासन तुरंत हरकत में आया और तहसील प्रशासन भी पहुंचा और तकरीबन 1 बजे के दरमियान तहसीलदार नीलेश गोंड ने नकोड़ा गांव के वार्ड क्रमांक 4 में पहुंचे और उनके साथ कोविड-19 के तालुका वैद्यकीय अधिकारी जयसवाल, आरोग्य विस्तार अधिकारी खोबरागढ़े वीडियो पेन्नाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र के आरोग्य सहायक के वी झाड़े, जिला परिषद सदस्य ब्रिजभूषण बाजारे, उत्तरपंच मोहम्मद हनीफ तथा अन्य लोगों की उपस्थिति थी तथा उस परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और संबंधित परिसर के लोगों के अब स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। नकोड़ा इथं वार्ड क्रमांक 4 मध्ये कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव केस आढळून आलेले आहे। त्या अनुषंगाने आज आपण वार्ड क्रमांक 4 चा पूर्ण एरिया सील करण्याचा आपण आज सील करत आहोत। आज ग्रामपंचायत बॉडी व इतर यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पूर्ण याची पाहणी केलेली आहे। आज आतापासूनच आपण इथं कंटेनमेंट झोन लागू करत आहोत। इथील लोकांना जो आम्ही कंटेनमेंट झोन जो लागू केला आहे त्यातील लोकांना अत्यावश्यक सेवेशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर पडता येणार नाही। आणि आतापासूनच आपण येथे जे कंटेनमेंट झोनच्या मध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्येक घराचा आपण सर्वे चालू केलेला आहे। दर 14 दिवस प्रत्येक घराचा इथं सर्वे होईल। त्याच्यामध्ये जर कोणी आणखीन काही लक्षणं आढळली तर त्याला आपण तुरंत आपण गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये भर्ती करून त्याच्यावरती उपचार करणार आहोत। सीटीव्ही खबर के इस अंत में हम यही कहेंगे, कोरोना का रुग्ण मिलने पर नागरिक घबराए नहीं, मगर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन को सहयोग दे तथा जो भी उपाय योजना कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन कर रहा है उसको सहयोग करें। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य संबंधी अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो तुरंत इसकी जानकारी संबंधित स्वास्थ्य विभाग को दें, यही समय की मांग है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि घुघुस नकोड़ा से प्रणय कुमार पंडित की रिपोर्ट।